नमस्कार दोस्तों, मैं राम परजतम, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके सामने हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2023 लेकर। पॉलिसी शुरू करने से पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, काफ़ी समय से आप लोगों की रिक्वेस्ट होने के बावजूद समय के अभाव में आपके लिए वीडियोज़ नहीं बना पाया। कोशिश करूँगा कि अभी आगे से वीडियोज़ कंटिन्यू करूँ। कम समय लेते हुए स्कीम के ऊपर आते हैं। ये जो फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी पहले 2017-22 वाली थी, फिर 22 में ये फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी ख़त्म हो गई अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद में। फिर काफ़ी समय रहा कि जब प्रदेश के अंदर फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी नहीं रही, तो उस समय नई एप्लीकेशंस कहाँ जाएंगी, कैसे जाएंगी, बड़ी परेशानियाँ हुई। उन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ये जो 2023 की नई वाली पॉलिसी है, ये पुरानी पॉलिसी के मुकाबले बहुत बेहतर पॉलिसी है। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं, बेनिफिट्स पास किए हैं बहुत ढेर सारे। उसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने की, जो पहले 2017 से 22 वाली पॉलिसी थी, इस पॉलिसी में उन्होंने सबसे पहली लाइन लिख दी कि अब ये पॉलिसी अगले 5 साल के लिए वैलिड रहेगी या फिर आने वाली नई पॉलिसी तक के लिए वैलिड रहेगी, जो उन दोनों में से कोई बाद में हो। मतलब अगर 5 साल बाद में पूरे हो रहे हैं तो 5 साल तक ये वैलिड रहेगी, और अगर नई पॉलिसी नहीं आ पाती है तो फिर तब जब तक नहीं आ पाती तब तक ये वैलिड रहेगी। ठीक है, तो इस बार के जैसे बीच में काफ़ी गैप हो गया, तो ये वाला गैप इस बार आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ऐसा किया गया है। फूड प्रोसेसिंग का मतलब इस स्कीम में बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने, बोला कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ ना कुछ बहुत मेजर प्रोसेस करो। ठीक है, हाँ प्रोसेसिंग तो कवर्ड ही है, जो आम जनरल भाषा है उसके, एक माल से दूसरे माल में परिवर्तन करना प्रोसेसिंग है। अगर मान लीजिए एक माल से दूसरे माल में परिवर्तन नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा रहे हैं, पहले उसकी लाइफ छोटी थी अभी लाइफ ज़्यादा हो गई। एग्जाम्पल के लिए दूध की बात कर देते हैं हम लोग, तो दूध को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, बट चिलिंग प्लांट के अंदर डाल के हम स्टोर कर रहे हैं, वो भी आपकी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप शेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हैं तब भी, अगर आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तब भी, पहले भी वो कोई पर्टिकुलर कोई एक ही चीज़ थी। एग्जाम्पल के लिए मैं मान के चलता हूँ आलू है, अब आलू पहले भी आलू था, और आलू के बाद में आपने आलू को काट के रख दिया तो भी आलू है, बट उसकी वैल्यू एडिशन कर दिया कि सब्जी बनाने के लिए अब आप कटे हुए आलू बेचोगे, दैट इज ऑल्सो फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी। ठीक है, उन्होंने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर, इसके बारे में बातचीत की है, जिसका एज सच पॉलिसी के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन है, बट हमारे डिस्कशन के साथ में उतना उसका कोई भी लेना देना नहीं है। सरकार ने बोला कि हम राज्य स्तर पर एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन करेंगे, उस स्क्रीनिंग कमेटी में आप जो भी एप्लीकेशन देंगे उनका अप्रोजल करेंगे, और अप्रेजल करने के बाद में अगर हमको सही लगता है तो हम आपको एक लेटर ऑफ कंफर्ट या लेटर ऑफ सैंक्शन दे देंगे। अब आपको याद होगा पुरानी स्कीम में आपको फंड लेना, बैंक के साथ बैंक एंडेड स्कीम थी, वो आवश्यक था, बट स्कीम में सबसे ऊपर एक लाइन लिख दी गई कि अगर आप वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब अगर आप लोन नहीं लेते हैं और आपके पास में लेटर ऑफ कंफर्ट मिल जाता है, तो भी आपको जो आगे आने वाले समय में हम ढेर सारे बेनिफिट्स को डिस्कस करने वाले हैं वो आपको मिलेंगे, आप उनसे वंचित नहीं रह जाएंगे, और ना ही आपके ऊपर ये कंपल्शन डाला जाता है कि आपको लोन लेना आवश्यक है। ठीक है, ये छोटे छोटे इन्होंने एग्जाम्पल्स के लिए ऊपर कुछ एक बातें की हैं जो हम आगे कवर अप करने वाले हैं, और रादर हम उन्हीं के ऊपर ही पहुंच रहे हैं कवर अप करने के लिए। बेनिफिट्स ही कम समय में इस स्कीम को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ इन्होंने बोली कि आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ से ज़्यादा आप जमीन परचेज नहीं कर सकते हैं। हालांकि 12.5 एकड़ वाली जो कंडीशन है वो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में लिखी हुई है, वो एग्रीकल्चरल लैंड के लिए लिखी हुई है। तो यहाँ पे उन्होंने क्लैरिफाई किया कि साहब अगर आप इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए कोई भी जमीन अक्वायर करते हो जो कि 12.5 एकड़ से ज़्यादा है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं रोक टोक नहीं है। अगर वो 20 हेक्टेयर तक की जमीन है तो आप जिला मजिस्ट्रेट से परमिशन ले लो, अगर आपकी वो 20 से अधिक और 40 हेक्टेयर तक की जमीन है तो आप मंडलायुक्त से परमिशन ले लो, और अगर 40 हेक्टेयर से ऊपर की जमीन है तो राज्य सरकार आपको परमिशन दे देगी। इसमें प्लॉट नंबर वगैरह का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको समाप्त किया गया है। ठीक है, गाँव का नाम लिख देंगे उतना पर्याप्त होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं लैंड यूज के चेंज, तो लैंड यूज क्या होता है, अगर हम कभी भी एग्रीकल्चरल लैंड को
इंडस्ट्रियल लैंड में चेंज करते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड को एग्रीकल्चर लैंड के अलावा किसी दूसरे लैंड यूज में हम कन्वर्ट करते हैं, तो पहले हमको उसके सर्कल रेट के 2% के बराबर वैल्यू देनी होती थी, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि जब आप कोई भी फूड प्रोसेसिंग प्लांट डालोगे तो आपको ये 2% की वैल्यू नहीं देनी है, आपकी माफ हो गई। साथ में एक और अच्छी बात क्या दी कि आप जिस अधिकारी के पास में, सक्षम अधिकारी के पास में जब आप अप्लाई करते हो, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो 45 दिन में आपका लैंड यूज चेंज करने का अथॉरिटी आपको दे दे, आपको एक ऑथराइजेशन दे दे कि साहब लैंड यूज चेंज हो गया। अगर वो नहीं देता है तो 45 दिन के बाद में ये मान लिया जाएगा कि ये ऑटोमेटिकली आपकी लैंड जो है वो चेंज हो गई है और आपको अब कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आपको याद होगा कि अगर आपके जो बेसिकली जिस भी जगह पे आप प्रोजेक्ट लगा रहे हो उस जगह के अंदर अगर कोई चक रोड या नाली वगैरह आती है तो आपको उस चक रोड के बदले, उस स्पेस के बदले स्पेस देना होता है, प्लस जो स्पेस की वैल्यू है उसका सर्किल रेट के बराबर उसका 25% आपको और पे ऑफ करना होता था। अब क्या है, उन्होंने बोला 25% आपको पे ऑफ नहीं करना है, आपको सिर्फ जमीन के बराबर जमीन मैनेज करके दे देनी है, दैट्स इट, दैट विल बी सफिशिएंट, मतलब उतना काफी होगा, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके लिए। इसके बाद में कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज के ऊपर कुछ और बातें उन्होंने बोली कि मान के चलिए जो ये शहर के आसपास की जमीन होती है वहां पे कोई अथॉरिटी है, ठीक है, आवास विकास है, कोई भी विभाग है, तो अगर अथॉरिटी है तो अथॉरिटी के पास में क्या होता है, क्षेत्र में प्रस्तावित उद्योग आने की स्थिति में भूमि के मूल्य का 20% सर्किल रेट के अनुसार वसूल कर CLU प्रदान किया जाता था, ठीक है। तो इस केस में उन्होंने बोला अगर अथॉरिटी है तो 20% आपका जो सर्किल रेट का 20% चार्ज करते थे, मान लीजिए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के एरिया के अंदर आ रहे हैं, वहां पे लैंड यूज चेंज कराना है तो 20% अपने को देना होता था सर्किल रेट का, वो माफ कर दिया, अभी नहीं देना, कितना देना, एक नोशनल अमाउंट फिक्स कर दी, 10,000 रुपए दे दो चले जाए, बात चलेगी। और अगर यही प्रॉपर्टी कोई आवास विकास टाइप की आवास विभाग के अंतर्गत आती है तो वहां पे उन्होंने बोला कि हम 50% जो भी वो उनके यहाँ का सिस्टम है वहां पे 50% का छूट देंगे। अब अगर एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस सेम तरीके से अगर वो अथॉरिटी के आसपास के हैं या वो आवास विभाग के पास के हैं तो अथॉरिटी के पास वालों में उन्होंने फिक्स कर दिया 50,000 रुपए, ठीक है, और अगर वो आवास विभाग के पास में है तो वहां 75% उन्होंने छूट दे दिया, तो एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस भी आपके माफ हो गए ऑलमोस्ट जो पहले रखते थे। पहले जैसे उन्होंने बोला अगर लखनऊ के अंदर आप जमीन, लखनऊ के एरिया के अंदर LDA के अथॉरिटी वाली जमीन आप ले रहे हो तो एग्जांपल के लिए दे, अगर लखनऊ में जमीन के लिए 2040 रुपए प्रति वर्ग मीटर है जिसके अनुसार 81,60,000 रुपए प्रति एकड़ दर बनता है जो कि ज्यादातर मामलों में भूमि के मूल्य से अधिक है, यदि प्रस्तावित उद्योग उत्तर प्रदेश में भूमि ऐसी भूमि पर आ रहा है जहां प्राधिकरण द्वारा कोई ऐसा विकास कार्य संपादित नहीं किया गया है तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए यह शुल्क केवल 50,000 रुपए रखा जाएगा, और अगर यही आवास विभाग के सहमति के अनुसार होना होगा, मतलब उनके ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा होगा, तो वहां पे 75% की छूट दे दी जाएगी। मान के चलिए आपने कोई जमीन, अब क्या बेनिफिट है, छठा बेनिफिट है, आपने कोई जमीन परचेज की, उस जमीन को परचेज किया किसके लिए परचेज किया, प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए परचेज किया, तो अब आपको वहां पे कोई भी स्टाम्प शुल्क जो आप दोगे उसकी वापसी हो जाएगी, आपको स्टाम्प शुल्क का खर्चा बियर नहीं करना पड़ेगा, मतलब कितना खर्चा बियर करना पड़ेगा, सिर्फ कोर्ट पीस का, ठीक है जी। अगर आप राज्य के बाहर से कोई भी माल लेके आते हैं तो आपको मंडी शुल्क एकदम माफ है, सेस एकदम माफ है, आपको कुछ भी नहीं लगना, मतलब रॉ मटेरियल भी आपका काफी हद तक सस्ता हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ऐसी उपज को मंडी शुल्क और उपकर के भुगतान में छूट दी जा रही है, क्वांटिटी आपके जो प्राइजेस हैं वो कम हो जाएंगे इसकी वजह से, ओके। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो आपकी यूनिट है वो डायरेक्ट परचेज कर सकती है किससे, फार्मर से, और फार्मर से डायरेक्ट परचेज करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आप एक जिले में, जिस जिले में यूनिट है आप वहीं परचेज कर सकते हो, आप पूरे प्रदेश में किसी भी जगह से आप जो है कि फार्मर्स के से माल खरीद सकते हो, जिससे फार्मर्स को एक अच्छा जो है कि क्वांटिटी प्राइस आपको मिल जाएगा, फार्मर्स को भी एक अच्छी मार्केट मिल जाएगी बेचने के लिए, कृषक द्वारा अपना उत्पाद सीधे बेचने के लिए मंडी शुल्क व सेस से छूट से प्राप्त हो जाएगी, मतलब उसको कोई भी मंडी शुल्क या सेस वहां पे भी नहीं लगेगा। ध्यान रहे यहाँ पे आपको कृषक से छूट मिली है, आप किसी FPO से माल खरीदने की बात करो तो वहां पे छूट नहीं है, वहां पे मंडी शुल्क लाएगा, तो आपको सीधे किसान से ही खरीदना है। अब बात करते हैं आपकी जो प्रोसेसिंग यूनिट है, उस प्रोसेसिंग यूनिट में अगर आप, चूंकि अग्री सेक्टर में है,
आप अगर इसको गांव वगैरह में लगाएंगे तो अपने यहाँ प्रदेश में गांव में लाइट्स आज भी थोड़ी अच्छी स्थिति में नहीं मिल पाती, कहीं वोल्टेज कम रहता है, कुछ रहता है, पावर कट हो जाती है। तो उस क्षेत्र में आप वहाँ पे सोलर वगैरह भी लगा सकते हैं। ये एमएनआरई के अलावा ये बेनिफिट है आपको, जो एमएनआरई वाली स्कीम है उसके अलावा ये बेनिफिट है आपको, ठीक है। तो 75 KVA का आप सोलर प्लांट अपने इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लगा सकते हैं। अब अगर आपकी ये जो सोलर प्लांट आप लगाते हैं तो उसमें 50% की कैपिटल सब्सिडी है, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन अगर ये महिला को है, अगर ये वुमेन ओरिएंटेड है, वुमेन ओनरशिप में है, तो 90% की सब्सिडी है, ठीक है। अगर आप अपने प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी आप प्रोसेसिंग करके बना रहे हैं उसको आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपकी जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका 25% आपको कैपिटल सब्सिडी वापस मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए आपकी कोई 100 रुपए की कॉस्ट है तो आपके लिए वो 75 रुपए की ही पड़ेगी। अब आप उसको अगर 100 100 रुपए की चीज बना के 100 रुपए में बेचेंगे तो कॉम्पिटेटिव प्राइस तो मिल गया आपको, 25 रुपए का फिर भी आपका मुनाफा होगा। लेकिन ये कहाँ नहीं लगेगा, अगर आप माल नेपाल बेच रहे हो, बांग्लादेश बेच रहे हो और भूटान बेच रहे हो, तो इस पे आपको ये काम नहीं लगेगा। मशीनरी प्लांट, ठीक है, या कोई भी टेक्निकल कंसल्टेंसी, इसके ऊपर जो भी आपका खर्चा आएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पहले क्या होता था, पहले अप टू 50 लाख रुपीज 25% विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 25% 50 50 लाख रुपए बराबर हो गया। 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है अगर, तो पहले तो 2 करोड़ तक का ही अप्रूवल मिलता था, क्योंकि CGTMSE भी 2 ही करोड़ तक की कवरेज देती थी, ठीक है। अभी इसमें क्या है, आपका ये बढ़ा दिया गया 35% का आपका कैपिटल सब्सिडी करके, इसकी अपर लिमिट 5 करोड़ रुपए कर दी गई है, पहले जो 2 करोड़ रुपए होती थी। तो इफेक्टिवली आप मान के चलिए आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकती है वो 15 करोड़ के आसपास की हो सकती है, ठीक है जी। अब अगर आप यही एग्जिस्टिंग यूनिट का एक्सटेंशन कर रहे हैं, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और चीज आती है कि क्या जो पुराने वाले स्कीम के अभी भी पेंडिंग स्कीम चल रही, मान लीजिए आपने पुरानी कोई भी पुरानी वाली स्कीम में कोई भी आपने फाइलिंग की हुई थी, तो उस केस में गवर्नमेंट इस लॉ मतलब इस स्कीम में ऐसा लिखा है कि उसका निष्पादन पुरानी स्कीम के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा, उसको नई वाली स्कीम के अंतर्गत निष्पादित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 35% सब्सिडी आपको एक्सटेंशन के लिए मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए, तो दोनों ही जगह पहले 25 लाख रुपए को बढ़ा के उन्होंने 5 करोड़ कर दिया, और यहाँ पे 25 लाख को बढ़ा के 50 लाख को बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया, और यहाँ पे 1 करोड़ कर दिया, फाइन। अभी क्या है, अगर आप कोई भी भंडारण मतलब वेयर हाउस बनाते हैं, पैक हाउस बनाते हैं, प्री कूलिंग यूनिट बनाते हैं, तो उस केस में आपको 50% अप टू 10 करोड़ रुपए आपको छूट मिल जा रही है। अगर आप कोई भी मान के चलिए इंफ्रा तैयार करते हैं किसके लिए, जहाँ पे ढेर सारी इंडस्ट्रीज, एग्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं आके, तो आपका मिनिमम कमिटमेंट कितना होगा इन्वेस्टमेंट का, 25 करोड़ रुपीज। तो अगर आपके पास में एक बहुत बड़ा लैंड बैंक है और वहाँ पे आप एक तरीके से फूड प्रोसेसिंग पार्क टाइप का बनाते हैं, मतलब एक इंफ्रा तैयार करते हैं, तो उस केस में आपको 35% सब्सिडी मिल जाएगी, ठीक है। अधिकतम 10 करोड़ रुपए का आपको ये जो है कि अनुदान मिलेगा उसमें। ओके, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज वगैरह सेम आपको, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के साथ में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, तो 35% की आपको सब्सिडी मिलती है, जो कि 5 करोड़ रुपए तक की होती है, ठीक है। रीफर वाहन, अब पहले क्या होता था, मतलब जो कूलिंग वैन्स होती हैं, रीफर वैन होती हैं, उनमें क्या होता था, पहले कैपिटल सब्सिडी भी थी, बट यहाँ पे उन्होंने 100% ब्याज से आपको मुक्त कर दिया, आपको ब्याज कुछ भी नहीं देना है। ओके, मंडी शुल्क में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मंडी शुल्क और उपकर के भुगतान में पूरे प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए एक ही बाजार क्षेत्र माना जाएगा, और प्रदेश में किसी भी मंडी का लाइसेंसधारी पूरे प्रदेश में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा। आप एक जगह का लाइसेंस लेंगे और पूरे प्रदेश में कहीं भी आप खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आप टेक्निकली आप कोई काम करना चाहते हैं जिससे कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के बेनिफिट की बात हो, तो ये 5 करोड़ तक का आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलते हैं छोटे छोटे वेयर हाउसेज आपको लगाने हैं, तो इसमें 50% तक की आपकी सब्सिडी है, पहले जो 35% की थी, लेकिन ये अधिकतम 50 लाख रुपए ही मिलेगी। तो अगर कोई छोटा आदमी काम करना चाहता है, उसके पास बड़ी पूंजी नहीं है और वो वेयर हाउस टाइप का बनाना चाहता है, तो उसको यहाँ 50 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल जाएगा जो अधिकतम, और 50% की सब्सिडी मैक्सिमम लिमिट है उसकी, ठीक है। ये सब्सिडी जो है वो दो समान किस्तों में आती है। अच्छा, जो ऊपर हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं, पॉइंट नंबर 13 और 14,
13 और 14 मतलब ये जो 13 और 14 ये जो मूल्य संवर्धन वाले मतलब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं और बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज वाले की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो आपके बेसिकली क्राइटेरिया रखा गया है वो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए जो क्राइटेरिया है वो रखा गया है। और ऑब्वियसली इसमें आपकी जो मैंने आपको पहले ही बताया 25% से बढ़ा के आपकी जो कैपिटल सब्सिडी है वो 35% कर दी गई है, और पहले अनुदान की राशि जो 50 लाख थी उसको 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, PMFME में ये 3.5 लाख रुपए है, 35 लाख गलत लिखा हुआ है, तो 10 लाख रुपए तक की स्कीम होती है, 35% ऑलरेडी है। इस साल गवर्नमेंट बोल रही है उत्तर प्रदेश सरकार की उनका 46,000 यूनिट्स बनाने का बजट है, तो अगर आप PMFME के अंदर भी अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हो तो आप वहाँ के माध्यम से, और एक चीज़ और, इस स्कीम को किसी भी स्कीम के साथ क्लब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो PMFME के साथ में भी आप स्कीम को क्लब कर सकते हैं। एक सबसे अच्छी इस स्कीम की मुझे बात लगी, जिससे ये दिखाता है कि प्रदेश सरकार जो भी यूनिट्स लगवाना चाहती है उनके साथ में बहुत बेहतर सामंजस्य बिठाना चाहती है। वो कहती है कि आपके पास इतने ढेर सारे कानून हैं, माप का कानून है, आपका फसाई का कानून है, ठीक है, मल्टीपल लाइसेंसेस रहते हैं आपको एक बिजनेस को सेटअप करने के बाद कैरी करने के लिए, तो अब वो कभी कोई आ रहा है आपके बिजनेस में, कभी कोई आ रहा है, आपको परेशानी हो रही है, तो सबसे बेहतर है कि हम क्या करेंगे कि हम एक कमेटी बना देंगे, उस कमेटी के मुताबिक हम आपके लिए प्लानिंग कर देंगे कि आप कोई भी कभी भी मुंह उठा के नहीं आएगा आपके इंस्पेक्शन करने के लिए, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आएगा। तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आने का मतलब क्या हो गया, भले ही डिपार्टमेंट बहुत ढेर सारे हैं लेकिन कंप्लायंसेस को चेक करने के लिए एक कमेटी के माध्यम से ही आपके लिए वो सारी चीजें पास की जाएंगी, और ये एक तरीके की ऐसी चीज है जिससे कि प्रदेश सरकार दिखा रही है कि वो अपने उद्यमियों के बीच में कितना भरोसा रख रही है। मुझे लगता है कि मैंने आपके लिए इस स्कीम को सरल भाषा में, क्योंकि अच्छे खासे पेजेस में स्कीम थी, इसको सरल भाषा में मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। अब आपको ये लग रहा होगा कि स्कीम के लिए फंड कैसे मिलेगा, फंड के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, फंड भी मिलेगा, आपको सब्सिडी भी मिलेंगी, सारी चीज़ें गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर रही है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। नंबर आपके पास ऑलरेडी मेरे हैं, चैनल के नीचे भी आप नंबर पे, वीडियो के नीचे एक लाइन आ रही होगी, आप वहाँ पे भी नंबर ले सकते हैं ऑफिस के, तो आपको कोई भी अगर परेशानी आती है तो आप वहाँ से बात कर सकते हैं, आपको बेशक सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बेसिकली जो टूरिज्म पॉलिसी के ऊपर है, जिससे कि आपके जो भी अच्छे एरियाज हैं, मान के चलिए जैसे झांसी हो गया, आगरा हो गया, आपका वाराणसी हो गया, जो एक ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे टूरिस्ट की विजिट होती है, तो वहाँ पे आप एग्री टूरिज्म के ऊपर काम कर सकते हैं, उसमें भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लेके आई है, तो हम आपके लिए टूरिज्म पॉलिसी 2022 बहुत इजी लैंग्वेज में लेके आएंगे। इस स्कीम में अप्लीकेशन करने के लिए बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में हो, मतलब आप पार्टनरशिप फॉर्म में हो, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में हो, कंपनी में हो, कोई दिक्कत नहीं है कि ये नहीं कर सकता है, PO है, कुछ भी जो भी है वो आप कर सकते हैं, तो उसके बेसिक आपको KYC डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जो उसके अप्लीकेंट्स हैं बेसिकली उनके KYC डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, अगर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है तो उसके आपके पास पेपर्स होने चाहिए, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनानी है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना आपके पास में ओन कंट्रीब्यूशन का पैसा होना चाहिए, मान के चलिए 10% से लेके 25% तक का आपके पास ओन कंट्रीब्यूशन का पैसा होना चाहिए। अगर आप जमीन अपनी है आपके पास तो जमीन के प्रॉपर पेपर्स होने चाहिए, जमीन के टाइटल क्लियर होनी चाहिए, अगर जमीन लीज की है तो बैंक बोलता है कम से कम 20 साल की लीज हो, 15-20 साल की लीज हो चलेगा। आपके पास में जो भी आप प्लांट सेटअप करना चाहते हैं उसका एक आर्किटेक्ट का नक्शा होना चाहिए, आर्किटेक्ट से आप एक नक्शा बनवाएंगे जिसके भी आप पे आपका जो CA होगा वो अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें उसकी बेसिक अहमियत होती है, आप जो भी काम करने जा रहे हैं उस काम को करने के लिए क्या आपका इनपुट होगा, क्या आपका आउटपुट होगा, क्या आपका प्रोसेसिंग करने में मशीनें लगेंगी, उन सब का कोटेशन होना चाहिए, परचेज प्राइस का होगा, कितना लॉस होगा प्रोसेस में, क्या बाई कोई बाई प्रोडक्ट तो नहीं निकल रहा है, बाई प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी, तो इस तरीके से आपके ये सारी चीज़ें आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको जानकारी होनी चाहिए, जो आपको आपके CA को बतानी होगी जिसके भी आप पे वो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में आपको ये जो अथॉरिटी है जो भी शुरुआत में मैंने आपको बताई थी उसके पास में आपको ये कमेटी के पास में देना है, वो आपके इस पूरे प्रोजेक्ट का अप्रेजल करा जाएगा, और अप्रेजल करने के बाद में आपको लेटर ऑफ कंफर्ट जारी कर दिया जाएगा। आपका लेटर ऑफ कंफर्ट अगर आपको जारी हो जाता है आप बैंक के पास पहुंच जाइए, लेटर ऑफ कंफर्ट के साथ में बैंक आपको फंड कर देगी, क्योंकि बैंक
का अच्छा खासा पैसा। बैंक आपसे आपकी ज़मीन अगर ले रही है तो उस पर मॉर्टगेज लेती है, CGTMSE कवर उसके पास मिल जाता है, सब्सिडी का पैसा उसको मिल जाता है, तो अल्टीमेटली बैंक का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आप एक रिवॉल्यूशन के तरीके से काम करेंगे और प्रदेश के अंदर बहुत ढेर सारी इंडस्ट्रियल एग्री प्रोसेसिंग यूनिट्स सेटअप होंगी, और उसमें जो आपको कभी कोई भी कमी आपको महसूस हो रही है, आप बेशक कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।